नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव पुनापार के बलिदान स्मारक सौदागर जूनियर हाईस्कूल के प्रांगण में अमर शहीद सौदागर सिंह का स्मृति दिवस के रूप में शहीद दिवस मनाया गया, जिस पर सर्वप्रथम अमर शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके उपरांत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DIG सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है जो अपने देश और मातृभूमि से प्यार करते हैं और मातृभूमि को गौरवान्वित करते हुए और मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। ऐसी मातृभूमि के सपूत को हम सब नमन करते हैं। ऐसे अवसर पर जो कार्यक्रम शहीद परिवार के पौत्र वधु अंजना सिंह द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम में राष्ट्र और देश के बारे में जानने समझने और संकल्प लेने को बल तो मिलता ही है, ऊपर से लोगों को जागरूक करने में भी सहायता मिलती है। जी, न केवल आजमगढ़ जनपद बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे राज्य के लिए अपित पूरे देश के लिए आन बान शान के प्रतीक रहे हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में जिस अदम्य शौर्य साहस का परिचय देते हुए, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए, दर्जन भर दुश्मनों को चीनी सैनिकों को शहीद करके और उनके हथियार लेकर के जिस हिसाब से वो वापस आए, उस समय कृतज्ञ राष्ट्र ने, तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें प्रथम वीर चक्र पुरस्कार से विभूषित किया और उसके पश्चात 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने अपनी अमर शहादत दी, वह स्वर्णाक्षरों में लगातार अंकित होने योग्य है। मैं यहाँ के उनके परिजनों को, विशेष करके उनकी पुत्रवधु को, जिनके प्रयासों से लगातार उनके शहादत की जो एक अजस्र धारा है उसको प्रतिवर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस पर याद किया जाता है। शहीद मेले के आयोजन में, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी संभ्रांत जन एकत्रित होकर के उनको याद करते हैं, मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्य निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकीकरण में, समाज के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले हमारा देश है, उसके पश्चात हम हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे अंदर इस भावना को और मजबूत करते हैं। सर, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? को युवा पीढ़ी को तो हमेशा, युवा ही देश के भविष्य हैं। युवा कभी भी किसी प्रकार से नकारात्मक तरीके से अपने को आगे बढ़ाने पर न जोड़ दें। किसी भी रूप में युवा अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि राष्ट्र की आन बान शान, राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले युवा ही हैं। आज के युवा ही कल के हमारे राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे, इसलिए युवाओं को हमेशा सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। एक लाइन में संदेश देना चाहूँगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा अपना अधिकतम प्रयास करके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। मैं अंजना सिंह, वीर शहीद सौदागर सिंह की पौत्र वधू। आज आपके सौदागर जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे जो दादाजी ने शहादत दी देश के लिए, उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। उनके मार्गदर्शन के रास्ते पर चलते हुए मैं आज के युवाओं से ये अपील करती हूँ कि जिस देश के लिए हमारे दादाजी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की आहुति दी, मेरे पति ने अपना आधा शरीर खोया है इसी देश के लिए, उस देश की रक्षा करें और उस देश के प्रति ईमानदार रहें। और इसी के और हर साल मैं ये मनाती रहूँगी शहीद दिवस का कार्यक्रम, जिसमें सब लोग आते हैं और मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनका प्रोत्साहन हमें मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जो लोग भी यहाँ आते हैं उनको, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। आज सबके आशीर्वाद की वजह से, प्रोत्साहन की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक स्थिति ऐसी भी थी जहाँ मुझे यहाँ खड़े होने तक के लिए मना किया गया था, यहाँ तक बोला गया था कि अगर आ गई विद्यालय पर तो तुम्हारा पैर काट लेंगे, ऐसे लोग भी थे। लेकिन अपने विद्यालय के मेम्बर्स और कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी और इस शहीद दिवस का वो करती रहूँगी, शहीद दिवस के मेले का आयोजन करती रहूँगी। इसके साथ ही आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, इस समाज का सहयोग चाहिए मुझे।